हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपना बुटीक। और मैं आपको कॉल शोल्डर की स्टिचिंग करना बताऊंगी। मैंने आपको कटिंग करना बताया था और आज मैं आपको स्टिचिंग करना बताऊंगी। मैंने अपना सूट पूरा सिल लिया है और ये मेरी स्लीव्स हैं। ये मैंने स्लीव्स को ऐसे रखी है, दोनों स्लीव्स को। और ये फ्रंट की कटिंग भी हम पहले ही कर लेंगे, जो फ्रंट वाले हिस्से की कटिंग होते हैं वो पहले ही कर लेंगे। और ये इस तरीके से स्लीव को रखेंगे और यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे चौड़ाई में, 2.5 इंच का लंबाई में। इस तरीके से एक स्क्वायर बना लेंगे और इसी के बीच में हम कटिंग करेंगे। मैं राउंड शेप दे रही हूँ इसकी। अब इसे लगाने के लिए मैंने तिरछी पट्टी काटी है। पहले तिरछी पट्टी मैंने इसलिए काटी क्योंकि ये राउंड शेप में है और इसे मुझे फोल्ड करना है, तो मैं इस पर तिरछी पट्टी लगाऊंगी ताकि ये आसानी से अपनी शेप में ही फोल्ड हो। इस तरीके से डबल करके मैं इन दोनों बाजू पर पहले ये फोल्ड कर दूंगी अंदर की तरफ। मैं यहाँ से इस तरीके से लगाऊंगा। हम जो पट्टी लगाएंगे ये स्लीव्स को सीधी तरफ रख के लगाएंगे इस तरीके से। इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके मैं एक सिलाई लगाऊंगी। इसकी रफ सिलाई नहीं लगानी, इसकी मैं पक्की ही सिलाई लगाऊंगी। आप इसमें पाइपिंग भी निकाल सकते हो। अगर आप अलग कपड़े की पाइपिंग लगाना चाहो तो आप इसके अलग कपड़े की पाइपिंग लगा सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा बाहर की तरफ करके हम फोल्ड करेंगे तो पाइपिंग की शेप आ जाएगी, अच्छी लगेगी कंट्रास्ट में भी। लेकिन अभी मैं ये पट्टी पूरी अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी। मैं आप दूसरी बाजू पर भी लगाऊंगी। ये मेरी दोनों बाजू तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे सूट पे लगाऊंगी। ये मेरा सूट पहले ही मैंने तैयार कर लिया था। हम ये सीधी तरफ देखेंगे, कटिंग की साइड से रखेंगे, सूट को उल्टा करेंगे और स्लीव को सीधा रखेंगे। ये मुंडे की साइड से जो ऊपर कंधे जुड़े थे वहां से हम 2.5 इंच की हमने कटिंग की थी, तो मैं यहाँ से भी आगे भी 2.5 इंच और पीछे भी 2.5 इंच, दोनों तरफ दोनों हिस्सों पे 2.5 इंच में निशान लगा लूँगी। सीधे की तरफ निशान लगाओगे आप क्योंकि सीधी तरफ से सिलाई लगेगी। 2.5 इंच इधर, 2.5 इंच इधर, यहाँ मैं निशान लगाऊंगी। और बाजू जोड़ने के लिए भी ये फ्रंट में कटिंग वाला हिस्सा लेंगे सूट का भी और स्लीव्स का भी आप इस तरह से रखेंगे। अगर आपकी बाजू इधर आ रही है तो ये कटिंग वाला हिस्सा यहीं आए, ये कटिंग वाला हिस्सा ऊपर यहाँ से बाजू को अंदर की तरफ डाल के जो हमारा सिलाई है ऊपर सूट की और ये बाजू की, इन्हें हम मिलाएंगे और यहीं से हम सिलाई शुरू करेंगे। ये मैं इस तरीके से अपनी स्लीव लगाना शुरू करूंगी। यहाँ पर 2.5 इंच का निशान है, ये वहीं तक आएगी। ये देखिए यहीं तक यहाँ तक कंप्लीट करें और आगे भी आगे वाले हिस्से पर हम ऐसे इस तरह से कटिंग को मिलाएंगे और ये जो 2.5 इंच का हमने निशान लगाया है वहीं तक वहाँ तक इसे ऐसे रखेंगे स्लीव को। पक्का टाका मार देंगे अच्छे से। अभी हमारी स्लीव तैयार है। ये देखिए ये मेरी बाजू लग गई, लेकिन ये हमारा जो हिस्सा है इसे हम करने के लिए इस तरीके से हम अंदर की तरफ से फोल्ड लेंगे इसको उल्टी तरफ से
अंदर की तरफ से लेंगे सीधी तरफ से, और यहाँ पर एक इस तरह से डबल करके यहाँ से हम सिलाई लगानी शुरू करेंगे। जो ये हमारी स्टिचिंग आई हुई है, सिलाई आई है, इसी के ऊपर ही हम लेंगे कि मैंने पट्टी लगा ली है। अब हम इसे उल्टी तरफ मोड़कर एक सिलाई लगा लेंगे। मैं आपको बहुत ही ईजी तरीका बताती हूँ स्टिचिंग का, कटिंग का, जो आप आसानी से कर सकते हो बिल्कुल इजी तरीके से। ये मैंने मेरी दोनों स्लीव्स लगा ली हैं, आप ट्राई कीजिए। और अगर आप मुझसे कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।